नमस्कार, अर्थ मैटर्स के इस खास प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माइक पांडे। आज का हमारा प्रोग्राम चिड़ियाघरों के बारे है, यानी जूज। कुछ लोगों का मानना है कि ये ऐसी जगह है जहां मनोरंजन होता है, कुछ समझते हैं यहां शिक्षा भी मिलती है, शोध भी है, और कुछ के लिए ये एक आश्रय है बीमार पक्षियों के लिए और उन पक्षियों के लिए जिनका अस्तित्व खतरे में है। आज हम ले चलते हैं आपको एक सैर पर पूरे भारत में और देखते हैं चिड़ियाघरों की स्थिति और देखते हैं यहाँ जानवर किस प्रकार रहते हैं। पृथ्वी कुछ एक बेहद खास प्राणियों का आशियाना है। इस ग्रह पर लगभग 20 लाख जीव प्रजातियां मौजूद हैं, जो जीवन की एक पेचीदा और एक दूसरे पर निर्भर श्रृंखला से आपस में जुड़ी हुई हैं। यहां ऐसी दुर्लभ प्रजातियां भी हैं जो आदिम जंगलों में रह रही हैं, और उन्होंने खुद को ऐसी पर्यावरण प्रणालियों के मुताबिक ढाल लिया है जिन्हें पनपने में लाखों साल लगे। ये जीव इस ग्रह पर मानव से कहीं अधिक समय से रहते आ रहे हैं, और मानव इन जीवों से लगातार सीखता और प्रेरणा हासिल करता रहता है। इंसान ने पक्षियों से उड़ना सीखा, समुद्री जीवों से उसने महासागरों पर महारत पाई, और डॉल्फिनों और चमगादड़ों के जरिए इंसान ने अंधेरे में देखना सीखा। आज भी वैज्ञानिक प्रकृति के अनूठे डिजाइनों को उद्घाटित करते रहते हैं, और असंभव पहुंच वाली तथा विविध पर्यावरण प्रणालियों में रह रहे नए जीवों और प्रजातियों को खोजते रहते हैं। लेकिन एक आम इंसान किस तरह प्रकृति की इन कमाल की रचनाओं को देख सकता है? क्योंकि जब हम इन जीवों को देखेंगे और उन पर हमारी निर्भरता को समझेंगे, तभी हम उनकी कद्र करना शुरू करेंगे। इसी मकसद से जूलॉजिकल पार्क या चिड़ियाघर बनाए गए हैं। आज ये पार्क प्रकृति की अनूठी रचनाओं को हम सबके बेहद करीब ले आए हैं। किसी बच्चे का हमारे प्राकृतिक जगत और वन्य जीवन से पहला परिचय जू यानी चिड़ियाघर में ही होता है। किसी बच्चे को यहीं पर रोमांच का पहला एहसास होता है। जू में आदमी दो बार ही आता है, एक बार या तो खुद जब बच्चा होता है उस समय आता है अपने पेरेंट्स के साथ, नहीं तो दूसरी बार आता है अपने बच्चों को लेकर के। बच्चे का स्वभाव है उछल कूद करना, घूमना फिरना, गार्जियन का फर्ज बनता है बच्चों के सेफ्टी का भी ध्यान दें, और जिस जगह बच्चे को लेकर के जा रहा है उस जगह का वातावरण भी खराब नहीं हो। जूलॉजिकल पार्क परिवार के लिए खोज, संरक्षण और शिक्षा हेतु एक बेहतरीन जगह मुहैया कराते हैं। ये वैज्ञानिक शोध और खतरे में घिरी प्रजातियों के प्रजनन में भी मदद करते हैं। भारत में चिड़ियाघरों की शुरुआत 1950 के दशक में हुई, और इनमें मौजूद जीव महाराजाओं का निजी संग्रह हुआ करते थे। इनमें से कुछ प्रदर्शनी शैली वाले पिंजरे आज भी देखे जा सकते हैं। जूनागढ़ के सक्करबाग जू के नए और पुराने बाड़े उस बड़े फर्क को दर्शाते हैं जो अब चिड़ियाघरों में आ चुका है। पुराने पिंजरों में जीव छोटी जगहों में कैद होकर रह जाते थे, लेकिन अब उनकी जगह ले चुके हैं बड़े और खुले खुले बाड़े। किसी आधुनिक चिड़ियाघर का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं उसके प्राकृतिक माहौल वाले बाड़े, जो ऐसे पर्यावास वाले होते हैं कि इनमें रखी जाने वाली प्रजाति को ज्यादा से ज्यादा आराम और सुरक्षा मिले। इनमें इंसान और जीव दोनों की सुरक्षा के लिए पानी वाली या सूखी खाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्राकृतिक शैली वाले डिजाइन की वजह से दर्शक इन जीवों को प्राकृतिक पर्यावास में भी देख पाते हैं, और इससे जीवों का प्राकृतिक व्यवहार भी कायम रहता है। इट शुड बी द विजिटर फ्रेंडली डिजाइन। इसका डिजाइन आगंतुकों के अनुकूल होना चाहिए।
बड़ा हो, माहौल कुदरती हो, हम अलग अलग तरह के बैरियर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाड़ा मोटर चालित हो सकता है, इसके अंदर घास जैसे विभिन्न प्रकार के बैरियर भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। आजकल तो पावर फैंस, चेन लिंक फैंस भी प्रयोग कर सकते हैं। आज नर वानरों यानी प्राइमेट्स के बहुत से बाड़ों को किसी द्वीप की तरह बनाया जाता है जो खाइयों से घिरे रहते हैं। यहाँ पेड़ों के ठूंठ और कुदरती विन्यास वाले हैंगिंग पोल होते हैं जिससे ये बंदर खूब उछल कूद मचाते रहते हैं। गुवाहाटी के असम स्टेट जू में गोल्डन लंगूर के बाड़े में पर्याप्त पोल और सपोर्ट लगाई गई है ताकि इन जीवों के प्राकृतिक व्यवहार को बढ़ावा मिले। इसी तरह चेन्नई के अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क में नीलगिरी लंगूर का बाड़ा भी खूब हरा भरा है और इसमें रखी गई प्रजाति के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराता है। बाघ और शेरों जैसी बड़ी बिल्लियों को ऐसे बड़े इलाके उपलब्ध कराने होते हैं जिनमें उनके लिए उपयुक्त पर्यावास की रचना करने के वास्ते पेड़ और झाड़ियां वगैरह हों। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क का बाड़ा काफी बड़ा है जिससे जीवों को घूमने के लिए काफी बड़ी जगह मिल जाती है। इसी तरह ईटानगर जू का बाघों का बाड़ा भी एक जल क्षेत्र वाले किसी जंगल की तरह है ताकि बाघ गर्मियों में खुद को ठंडा कर सके। जूनागढ़ के सक्कर बाग जू में शेरों के पास खूब बड़ी जगह तो है ही, साथ ही उसमें वो खासियतें भी हैं जो किसी प्राइड यानी शेरों के झुंड को चाहिए होती हैं। हिरणों को घास वाले बड़े इलाके चाहिए होते हैं जिनमें वो अपने सींगों को वनस्पति से रगड़कर नुकीला बनाते हैं। गुवाहाटी के असम स्टेट जू के सांभरों का बाड़ा काफी बड़ा है और उसमें एक पूल भी है। दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में खतरे से घिरे मणिपुर के संघाई हिरण या स्वाम डियर का बाड़ा इस दुर्लभ प्रजाति को सुरक्षा तथा चलने फिरने के लिए काफी बड़ी जगह मुहैया कराता है। कुछ प्रजातियों के लिए कुछ विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। ये हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में मौजूद नॉक्टर्नल हाउस और रेप्टाइल हाउस हैं। नॉक्टर्नल हाउस में उन प्रजातियों को रखा जाता है जो रात के दौरान सबसे अधिक सक्रिय रहती हैं और दिन में सोती हैं। नॉक्टर्नल हाउस में रात के लिए खास तौर से लाइटें लगाई गई हैं ताकि दर्शक रात में सक्रिय होने वाले जीवों की गतिविधि को देख सकें और जानवरों का कुदरती चक्र भी बाधित न हो। ये दर्शकों के लिए एक दुर्लभ अवसर है। रेप्टाइल हाउस में दर्शक सरीसृपों को ऐसे डायरोमाज यानी लघु मॉडलों में देखते हैं जिन्हें बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। सांप ऐसी प्रजाति हैं जिनके बारे में अक्सर गलतफहमी रहती है और इनसे बहुत से लोग डरते हैं। भारत में सांपों की 500 से भी अधिक प्रजातियां हैं और इनमें से केवल 50 ही जहरीली हैं। चेन्नई का स्नेक पार्क आम लोगों को प्राकृतिक जगत में सांपों के महत्व के बारे में जागरूक बनाने के सिलसिले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रैट स्नेक रहने वाले चूहे और चूहियों को ही खाता है जो हमारे कृषि फसलों को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए ये सांप किसान का दोस्त कहलाता है। ये सांप लगभग 8 फीट लंबा होता है, ये विभिन्न रंगों में पाया जाता है। कुछ चिड़ियाघर अपने दर्शकों के लिए सफारी टूर का भी प्रबंध करते हैं। इससे दर्शकों को ऐसे किसी जीव को बड़े और खुले क्षेत्रों में देखने का बिल्कुल उसी तरह रोमांच मिलता है जैसे कि वो बियाबान में नजर आते हैं। टाइगर और लायन सफारी लोगों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। चिड़ियाघरों की स्थिति अब पहले से काफी बेहतर हो गई है और ये किसी जीव को अब सिर्फ उसका प्राकृतिक पर्यावास ही मुहैया नहीं कराते हैं बल्कि उसे सुरक्षा भी देते हैं।
दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में मौजूद एक प्राकृतिक झील पक्षियों के लिए किसी कुदरती अभयारण्य जैसी बन जाती है। ऐसी झीलें बहुत से प्रवासी पक्षियों के लिए उनका सर्दियों का आशियाना है। कुछ स्थानीय प्रजातियों के लिए सर्दियों का समय प्रजनन का समय भी होता है। एजुकेशन, रिक्रिएशन, रिसर्च के अलावा ज़ूज़ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज के प्रोटेक्शन में। यहाँ पर एंडेंजर्ड स्पीशीज को सुरक्षित रखा जाता है और ब्रीडिंग का भी ये सेंटर है। लेकिन याद रखें, अगर आप एक किसी ज़ू को विज़िट करते हैं तो जानवरों को खाना मत खिलाएं, उनसे छेड़खानी ना करें, यह ख़तरनाक भी हो सकता है। सेंट्रल जू अथॉरिटी के दिशा निर्देशन में बहुत से आधुनिक चिड़ियाघर भारतीय मूल की ऐसी प्रजातियों के वैज्ञानिक प्रजनन कार्यक्रमों में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरे में हैं, और ये कोशिश बेहद कामयाब रही है। नंबर ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स आर डिक्लाइनिंग इन द वाइल्ड। खतरे से घिरे जीवों की संख्या बियाबान में घटती जा रही है, इसलिए हमें पालतू दशाओं में उन्हें बचाना होगा। हम पालतू दशाओं में उनका प्रजनन इसलिए करा रहे हैं कि अगर जंगल में जानवरों की तादाद बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो इन पालतू दशाओं वाले जीवों को जरूरत वाली जगहों पर छोड़ा जा सकता है या उन्हें दूसरे चिड़ियाघरों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लाल पांडा का प्रजनन इन्हीं कामयाब दास्तानों में से एक है और चार लाल पांडा को जंगल में छोड़ा भी जा चुका है। भारत में यही एकमात्र जगह है जहां रेड पांडा पाए जाते हैं। ये इनका संरक्षण और प्रजनन के लिए एक योग्य प्रोजेक्ट है। 2003 में चार और 2004 में दो जानवरों को हमने वापस जंगलों में छोड़ा है। ये एक सराहनीय बात है जहां हम जेनेटिक प्रोफाइलिंग के अनुसार उनका प्रजनन करते हैं। कई बंदरों की प्रजातियों का भी कामयाबी से प्रजनन हुआ है। गुवाहाटी के असम स्टेट जू में गोल्डन लंगूर, चेन्नई के अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क के नीलगिरी लंगूर, सेपिजाला जू में स्पेक्टेकल लंगूर और अरुणाचल जू के हुलक गिबन कुछ ऐसी ही मिसालें हैं। एशियाई सिंह, दुर्लभ क्लाउडेड लेपर्ड, पेंगुलिन और माउस डियर का प्रजनन भी कामयाबी से किया गया है। जूजू राना या वेस्टर्न ट्रेगोपेन बेहद शर्मीले और दुर्लभ फेजेंट पक्षी हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि इस पक्षी को ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में फिल्म पर उतारा गया है। यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां इस पक्षी को देखा और पालतू दशाओं में इसका अध्ययन किया जा सकता है। इसका मकसद है तीतर को पालतू दशाओं में प्रजनन करने देना और जंगल में इसकी आबादी में बढ़ोतरी करना। ये पक्षी विलोपन के कगार पर है और अब हिमाचल प्रदेश में इसका सफलतापूर्वक प्रजनन किया जा रहा है। कुछ अन्य जीवों का प्रजनन भी चिड़ियाघरों में किया जाता है, जैसे कि बाघ, हाथी, भालू, गैंडे और सरीसृप। इससे एक जीन बैंक भी बनता है और चिड़ियाघरों के बीच इनकी अदला बदली भी की जा सकती है। संरक्षण से जुड़ी प्रजनन परियोजनाएं कुछ विशेष क्षेत्रों में अंजाम दी जाती हैं ताकि कुदरती व्यवहार को बढ़ावा दिया जा सके। कुछ खास प्रजातियों के पालतू दशाओं में कराए जाने वाले प्रजनन के सिलसिले में कुछ सुविधाओं की मदद भी ली जाती है और इसका लक्ष्य होता है इन्हें फिर से जंगल में छोड़ना। Basically, they have disappeared. देखा जाए तो ये विलुप्त शिकार या बीमारियों से नहीं बल्कि उनके प्रवास संबंधी समस्याओं से हुए हैं। पिग्मी हॉग एक नाजुक प्रजाति है जो अपने प्रवास में छोटे छोटे बदलाव से भी प्रभावित हो जाती है। पिग्मी हॉग पर्यावरण का एक बैरोमीटर की तरह है। अगर ये लंबे अलूवियल ग्रासलैंड्स या चारागृह सुरक्षित रहेंगे तो पिग्मी हॉग भी सुरक्षित रहेंगे और इसी के साथ अन्य जीव जंतु भी सुरक्षित रहेंगे। मगरमच्छ और घड़ियाल ऐसी प्रजातियां हैं जिनसे अधिकतर लोग परिचित नहीं हैं। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक मगरमच्छों के प्रजनन में पिछले 3 दशक से जुटा है। ये केंद्र जंगल में शिकार करने वाले
और वन सामग्री इकट्ठा करने वाले इरुला जनजातीय लोगों के साथ भी काम करता है, ताकि एंटी वेनम यानी विषरोधी टीका बनाने के लिए सांप के जहर को इकट्ठा करने में इनकी महारतों का इस्तेमाल किया जा सके। हाल ही में चंबल क्षेत्र में बड़ी तादाद में घड़ियालों के मरने की खबरें मिली थी, लेकिन पालतू दशाओं में इस प्रजाति के प्रजनन कार्यक्रम की शक्ल में आखिरकार इस समस्या का समाधान मिल गया है। प्रदूषण और 1960 के शुरुआती वर्षों में मगरमच्छ के चमड़े की भारी मांग की वजह से गैंजिस घड़ियाल की संख्या चिंताजनक स्तर तक घट गई थी। 1974 में दुनिया में सिर्फ 300 एलिगेटर बचे थे, जिनमें से 170 भारत में थे। इससे हमारी नदियों में असंतुलन पैदा हो गया, लेकिन आज मछली खाने वाली इस अनूठी प्रजाति की तादाद फिर से बढ़ रही है। वन्य दशाओं में इसे फिर से छोड़े जाने की कोशिशों को परिरक्षण से जुड़ी देश की एक जबरदस्त सफलता कहा जा सकता है। चिड़ियाघर प्रबंधन को कई गतिविधियों के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, जैसे कि इन जीवों को खिलाना, उपयुक्त पोषण और सफाई वगैरह। ये जीव स्वस्थ बने रहें ये सुनिश्चित करने के लिए पशु चिकित्सकों के जरिए इनकी देखरेख और नियमित निगरानी भी आवश्यक होती है। ज्यादातर चिड़ियाघरों में प्रशिक्षित पशु चिकित्सक होते हैं, जो लगातार इन जीवों की सेहत पर नजर रखते हैं। जीवों का बचाव और उनका पुनर्वास एक और ऐसा नया क्षेत्र है जहां चिड़ियाघर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत से जीवों को बचाकर उनका इलाज किया जाता है और तब तक पालतू दशाओं में रखा जाता है जब तक वो जंगल में छोड़ने के लायक नहीं हो जाते। इन पुनर्वास केंद्रों में इन जीवों को रखने और इनके इलाज की उपयुक्त सुविधाएं हैं, ताकि इनकी देखरेख और कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। चिड़ियाघर लोगों को जागरूक बनाने की भी एक उपयुक्त जगह है। यहाँ न लोग घंटों तक मौज मस्ती कर सकते हैं, बल्कि वे हमारी इस पृथ्वी पर बसने वाले जानवरों के प्रति जागरूकता और समझ भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ समय समय पर बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं, जिनका विषय होता है वन्य जीव अपने पर्यावास में। चिड़ियाघर के अधिकारी यहाँ आने वाले आगंतुकों, विशेषकर स्कूली बच्चों को पर्यावरण प्रणाली के महत्व, मानव और प्रकृति के बीच के रिश्ते और हमारी पृथ्वी की जैव विविधता को बनाए रखने की जरूरत के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी मुहैया कराते हैं। पिछले 50 साल में ये चिड़ियाघर अब केवल जानवरों के पिंजरे ही नहीं रह गए, बल्कि उससे कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये आज वन्य जीवों को बचाने से जुड़े संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये प्रजातियां प्रकृति की उन अनोखी रचनाओं में से हैं जो इस पृथ्वी पर लाखों साल से रहती आई हैं और अब हमारे साथ यहां बसती हैं। हमारी जिंदगी इन्हीं पर निर्भर है। चिड़ियाघर लोगों को उस प्राकृतिक जगत को ध्यान से देखने का एक मौका देते हैं जिसमें वे इन प्रजातियों के साथ रहते हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बने पार्कों को यह श्रेय जाता है कि उन्हीं के कारण इंसानों और जानवरों के बीच का रिश्ता मजबूत हुआ है। जू कहें या चिड़ियाघर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये मेरे ख्याल से। यहाँ पर कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका अस्तित्व खतरे में है और कुछ ऐसे जानवर जो खतरे की कागार पर हैं। जूज उनके लिए एक आश्रय हैं जहाँ उनका अस्तित्व एक बार फिर लौटा दिया जा सके। जूज एक शिक्षा का भी केंद्र है। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, जो आपने देखा होगा, और लोग आते हैं, उनको कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। हमारा क्या तालमेल है, क्या जोड़ है प्रकृति से, वो यहाँ सीखने को मिलता है। एक शोध का भी स्थल है ये। तो बहुत ज़रूरी है कि मेंटेनेंस ऑफ जूज, अपकीप एंड रीडिज़ाइनिंग ऑफ जूज। इसके बावजूद
ये भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ का जो पानी है रेगुलर चेकअप्स हों, कि कई एक जगह हमने देखा कि पानी बहुत ही गंदा हो चुका है और इससे बीमारियाँ फैलती हैं। अगर हम चाहते हैं इन जानवरों का अस्तित्व बचाना और इनको एक आश्रय देना, लिहाजा उनकी वेलफेयर हमारी जिम्मेदारी है। और अब समय आ गया है साप्ताहिक क्विज का। हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, भारत की कौन सी झील को फ्लोटिंग लेक यानी तैरती हुई झील भी कहा जाता है, और इसका सही जवाब है मणिपुर की लोकटक लेक। और इस हफ्ते के विजेता हैं अंकुश तनेजा नई दिल्ली, शुभ्रा रंधावा हिमाचल प्रदेश, दिनेश सुरेश भरदाने महाराष्ट्र, मेघराज गहलोत राजस्थान, डॉक्टर प्रेम एस भटनागर मध्य प्रदेश। पहले पांच विजेताओं को मिलेगा अर्थ मैटर्स की तरफ से एक टी शर्ट और सर्टिफिकेट, और 10 विजेताओं को अर्थ मैटर के फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट। और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट विनर्स हैं बारलेवाला चिंतन तुलसीराम गुजरात, ललित मोहन हरियाणा, संदीप पवार महाराष्ट्र, अखिलेश तमराकर छत्तीसगढ़, डॉक्टर मंजू मुखर्जी कोलकाता, देवजानी देवी आसाम, विवेक कुमार चंडीगढ़, अनुराधा और अजय श्रीवास्तव मध्य प्रदेश, आशीष मंगल राजस्थान और जी राधा कृष्णन चेन्नई। और इस हफ्ते का सवाल है इस जीव को पहचानिए। सवाल एक बार फिर सुनिए, आइडेंटिफाई दिस क्रीचर। अपने जवाब एक हफ्ते के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है अर्थ मैटर्स, PO बैग नंबर 3, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली 110048। और हमारा ईमेल आईडी है dd.earthmatters@gmail.com। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई श्रृंखला में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। टेक केयर।